हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हिस्ट्री के सेक्शन को शुरू कर रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे इंट्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में आखिर में कैसे पूरा क्रोनोलॉजी चली है, या फिर कह लीजिए कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री डेवलप हुई है। इस हिस्ट्री में अगेन सोर्सेज हमारे काफी ज्यादा हैं, लेकिन ये काफी लिमिटेड है अपने आप में। वो इसलिए लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर केवल जितने आप सोर्सेज रेफर करते जाएंगे उतनी ज्यादा कहानियां सामने निकल के आती जाएंगी, और जितनी भी कहानियां ये सारे डिपेंड करते हैं राइटर के ऊपर, राइटर ने क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग फिर भी जो रेफरेंस बुक्स हैं, या फिर कह लीजिए जितने ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको रेफर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या कुछ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हम लोग कवरेज रखेंगे वो प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से रखेंगे। ऑल दो आंसर राइटिंग अभी फिलहाल नहीं होगी, अभी फिलहाल कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा इस तरीके के इस वीडियो में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हिस्ट्री को अगर हम लोग देखें सेक्शन हमारा और सिलेबस देखें, तो हिस्ट्री के सिलेबस में दो चीजें आती हैं, एक आती है आर्ट एंड कल्चर और दूसरी आती है इंडियन हिस्ट्री। यहां पर बेसिकली जो डिवीजन हम लोग ये किए हुए हैं, ये हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में बांट करके कर रहे होते हैं। एक होती है जो एंशियंट हिस्ट्री होती है, दूसरी होती है जिसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरी होती है जो मॉडर्न होती है। इन तीनों में जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली इस तरीके से किए गए हैं कि हमारी हिस्ट्री को एक कंप्लीट रूप दिया जा सके। जहां पर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं हमारे प्री हिस्ट्री के बारे में एक तरीके से, और ये चलती है कब तक, ये चलती है पोस्ट मौर्यन एज तक, या इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि जब तक इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ है। इस्लामिक इन्वेजन पे हमारी हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री में बदल जाती है, और हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ अलग अलग चीजों के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली कोलोनियल एरा के बारे में बात करता है, यहां पर हम लोग कोलोनियल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ये दोनों कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, दोनों बेसिकली एक ही सब्जेक्ट है, और हम लोग इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलेंगे। पहले हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, डायनेस्टी अगर है तो डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, या फिर कह लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को अगर शुरू किया जाए तो हम लोग बेसिकली इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं, दूसरी प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हिस्टोरिकल एजेस में तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्री हिस्ट्री हम लोग उस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री को बोलते हैं जहां पर हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स तो मिल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का मतलब हो गया जैसे खुदाई में कुछ चीजें मिल जाए, चाहे कोई पॉटरी मिल जाए, लिटरेचर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो भी हम लोग खोद करके निकाल रहे हैं चीजों को, उसको देख करके ऑब्जर्व करके हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं। इसके अलावा साथ में लिटररी वर्क अगर हमें कोई न मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य न मिले, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे मनुष्य का जो भी जन्म हुआ है उसमें कोई लिटररी वर्क नहीं है, केवल और केवल रिमेन्स है, हड्डियां निकाली जाती हैं और उसके बेसिस पे हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा मानव है। दूसरी हिस्ट्री होती है जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इस प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी मिले होते हैं और साथ ही साथ लिटररी वर्क भी मिला होता है, लेकिन इस लिटररी वर्क को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं एक्सकेवेशन से, खुदाई से, कई सारी चीजें भी हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो भी लिटररी वर्क हमें मिला है, जो भी उस पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, डेसिफर नहीं कर सके हैं, इसलिए हम लोग इसे प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। जिस दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लिया जाएगा, इसके लिखित साक्ष्य को पढ़ लिया जाएगा, ये अगेन ट्रांसफर होके कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी हिस्टोरिकल एज में। और यानी कि हिस्टोरिकल एज वो होती है जहां पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी मिल रहे होते हैं, लिटररी वर्क भी मिल रहे होते हैं, और उसे डेसिफर भी किया जा चुका है। जैसे वैदिक एज हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, या पुराण हो गए, या उपनिषद हो गए, या कोई भी चीज इस तरीके से जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, डेसिफर कर चुके हैं। अब प्री हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमें एक बड़े व्यक्ति के नाम में पढ़ना होता है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये बेसिकली ब्रिटिशर है, ऑब्वियसली कॉलोनियल एज के दौरान में ये आए थे इंडिया में, और ये बेसिकली एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
who conducted geological surveys of prehistoric locations in India for the Historical Survey of India. इसी कारण से इन्हें 1887 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट कंक्लूसिव पैलियोलिथिक स्टोन टूल, मतलब एक गड़ासा था एंड हैंड एक्स जिसको बोलते हैं इन इंडिया। ही फाउंड द टूल इन सदर्न इंडिया पल्लावरम, पल्लावरम मद्रास के पास में तमिलनाडु में एक पल्लावरम जगह है और वहां से इन्होंने सबसे पुराना प्री हिस्टोरिकल एज का सबसे पहला कंक्लूसिव स्टोन टूल निकाला था। और इस तरीके से एक्सकेवेशन के लेकर के ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है, पूरी प्री हिस्ट्री की पीरियड स्टार्ट होती है। रॉबर्ट फ्रूस्टफोर्ट को देख लीजिए, ऐसे दिखते थे। अब देखिए दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इन आवर हिस्टोरिकल कह लीजिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे एक साहब है जिनका नाम है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, जिनको बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही ये पूरा सिस्टम स्टार्ट किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब स्टार्ट किया, इस वजह से हम लोग बोलते हैं इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के बारे में आप लोग एक जनरल कंसेप्ट और जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। तो ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। आर्कियोलॉजिकल इस पूरे जो भी एक्सकेवेशंस होती हैं और उस एक्सकेवेशन के बेसिस पे जो चीजें निकाली जाती हैं, खुदाई के दौरान में जो चीजें मिलती हैं उसके हिसाब से थॉमसन ने कोपेनहेगन डेनमार्क में क्लासिफाई किया चीजों को, और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये तीन तरीके से क्लासिफाई किए, एक पैलियोलिथिक एज, दूसरा कैल्कोलिथिक एज और तीसरा जो आयरन एज के नाम से जाना जाता है। पैलियोलिथिक एज का मतलब वही जो प्रागैतिहासिक काल, इसको हिंदी में बोला जाता है, और ये अर्लियर टाइम पुराना, पैलियो मतलब पुराना, पुराने टाइम की बातें हैं। इसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है जिसे पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, दूसरी मीसोलिथिक एज और तीसरी न्यूलिथिक एज होती है। ये एज बेसिकली स्टोन एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्योंकि यहां पे बेसिकली पत्थरों की ही सारी चीजें बनाई जाती थी। इसके बाद आता है कैल्कोलिथिक एज, जो बेसिकली ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे ताम्रपाषाण काल बोलते हैं, एंड दिस इज बेसिकली जहां पर मेटल स्टार्ट हो गया था, तांबा स्टार्ट हो गया था, तो इस तरीके से इसका नाम कैल्कोलिथिक एज पड़ गया था। इस एज के साथ में कई सारी सिविलाइजेशन भी डेवलप की थी, जैसे कायथ कल्चर, मालवा कल्चर, गणेश्वर कल्चर, आहड़ कल्चर और जौरवे कल्चर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर हैं जो आप लोग नाम याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग सारी डिटेल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर्स थी। फिर उसके बाद से हमारी आयरन एज आती है, और इस आयरन एज में बेसिकली क्या होता है कि लोहे की खोज हो जाती है, आयरन की खोज हो जाती है, और फिर काफी अच्छे से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद से जरा देख लेते हैं हम लोग पूरी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्या रही है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स रहे हैं, जिसको कि हम लोग सक्सेसिव आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्टोन एज थी, और ये स्टोन एज बेसिकली 25 लाख बीसी बिफोर क्राइस्ट से 2500 बीसी तक ये चली है, जिसमें हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद जो डेवलपमेंट होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की होती है, जिसे हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट अर्बन कल्चर है और अर्बन बेसिस पे डेवलपमेंट हुई थी यहां पर। ये स्टार्ट होती है 2500 बीसी से और ये चलती है 1750 बीसी तक। हालांकि इसके एज में कई सारे हिस्टोरिकन्स का अलग अलग मत है, अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद से स्टार्ट होती है वैदिक एज। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ खास प्रमाण, कुछ खास प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है उसको देखेंगे हम लोग। हालांकि इसके बाद से डेवलपमेंट होती है अर्ली वैदिक एज, जिसे हम ऋग वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली रूरल सिस्टम थी, ग्रामीण व्यवस्था थी यहां पर। इस ग्रामीण व्यवस्था में जो डेवलपमेंट हुआ था वो धर्म का एक स्ट्रक्चरल रूप सामने आया था। इस धर्म के स्ट्रक्चरल रूप में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में पुराण, वेद, उपनिषद, कास्ट सिस्टम और आश्रम सिस्टम सामने निकल करके आया था। इसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ था 1750 बीसी से 600 बीसी तक में। यहां पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और वो कबीले आपस में मिलकर के ही रहते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से रहते थे। इसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो लेटर वैदिक एज की होती है, जहां पर कल्चर का डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है। कास्ट सिस्टम जो पहले वर्क के बेसिस पे डिफाइन की जाती थी वो अब जन्म के आधार पर, बाय बर्थ
डिसाइड होना शुरू हो जाता है, महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है और काफी कुछ डिस्टॉर्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई सारे टर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे द्विज हो गया या फिर और भी रिलेटेड चीजें रहेंगी जिसको कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां पर अगेन जो कबीले थे वो कबीले के ही फॉर्मेट में, लेकिन वो अगेन एक रीस्ट्रक्चरिंग हो गई थी और वो रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली कास्ट सिस्टम के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। इस वैदिक एज के बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है महाजनपद पीरियड। इस महाजनपद का डेवलपमेंट बेसिकली होता है 600 BC से लेकर के 300 BC तक में। यहां पर पहली बार टेरिटोरियल डिमार्केशन सामने निकल करके आता है। अभी तक जो कबीले थे वो कबीले आपस में संगठित होकर ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक महाजनपद का नाम ले लेते हैं। यहां पर जो कबीले थे वो पहले जनपद के नाम से जाने जाते थे और ये जनपद आपस में जब ऑर्गेनाइज्ड वे में निकल के आए तो उसे महाजनपद कहा जाता है। ये टोटल जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे और वो भी जो नॉर्थ इंडिया में थे। साउथ इंडिया के बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, नॉर्थ इंडिया में। ये कौन कौन से महाजनपद थे तो आप देख सकते हैं मैप में कि ये 500 बीसी का फोटो है जहां पे हमारे पास 16 महाजनपद हुआ करते थे। कौन कौन से देखना शुरू करिए, जैसे सबसे पहला था जिसे कंबोज कहते थे और ये कंबोज बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास में था। इसके बाद गांधार यहां पर दूसरी हो जाती थी, यहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि पहली यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा अगर आएंगे तो यहां पर देखिए आपको कुरु देखने को मिलेगा, कुरु के बाद यहां पर पांचाल थी, पांचाल के बाद सूरसेन जो कि मथुरा जी की राजधानी थी, मत्स्य था, मत्स्य के बाद अवंती थी और साउथ में गोदावरी रिवर के पास में अश्मक था। इसके बाद छेदी डायनेस्टी थी, छेदी महाजनपद, और छेदी के अलावा वत्स्य था, वत्स के अलावा कोशल था, कोशल के अलावा काशी थी, काशी के अलावा मल्ल था, मल्ल वज्जी मगध अंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद थे जिसमें से सबसे स्ट्रांग उस समय पहले कोशल था, लेकिन कोशल और काशी आपस में दोनों वॉर लड़ते हैं और आपस में शादी विवाह करके मैरिज के थ्रू ये आपस में एक साथ मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली मगध भी अंग के साथ में लड़ाई लड़ता है और आपस में इसे इंटीग्रेट कर लेता है। और इस तरीके से दो मेन महाजनपद सामने निकल के आते हैं, एक होता है कौशल और दूसरी होती है मगध। हालांकि मगध बाद में इस पूरे एरिया को कवर कर लेता है और अपने आप में सबसे बड़ा महाजनपद सामने निकल करके आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा भी करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है हमें। अलग अलग राजा हैं, जैसे अगर बात करें तो प्रसेनजीत राजा के बारे में हम लोग बात करेंगे, सिमिलरली हम लोग बात करेंगे प्रद्योत के बारे में, तो बहुत सारे राजा हैं, इनको हम लोग को आगे डिटेल में देखना होगा। तो महाजनपद के बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। देखिए इस समय जो इंडिया का मैप है या इस समय जो वर्ल्ड का मैप है, इस तरीके का मैप पुराने टाइम पे नहीं हुआ करता था। जो मैप था वो अलग अलग तरीके के थे। सिमिलरली यूरोप का भी मैप हम लोग जब देखेंगे, उनके नाम देखेंगे तो वो डिफरेंट मैप थे, जैसे बेबीलोनियन हो गया या फिर असीरिया हो गया, तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम देखने होंगे। तो हम लोग एटलस को भी, मतलब उस टाइम का जो मैप था, उसको साथ में लेकर के पढ़ेंगे ताकि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप हो पाए। हिस्ट्री को देखिए हमें फील करना है, इसे हमें याद नहीं करना। ऑब्वियसली नाम तो याद करना ही पड़ेगा, बट जो इवेंट्स हुए हैं उस इवेंट को हमें समझना होगा और साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। महाजनपद के हल के बाद हमें इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। ये फॉरेन इन्वेजन अलग अलग तरीके के थे, जैसे मकदूनिया का जो राजा था फिलिप, उसका जो बेटा था सिकंदर, उसके इन्वेजन सामने देखने को मिले। और ये इन्वेजन ऐसा नहीं है कि सिकंदर तुरंत अपने आप सपने में आया कि चलो अटैक करते हैं, इससे पहले अटैक हुए थे अलग अलग इन्वेडर्स के, जैसे डिमेट्रियस थे, और इस तरीके से हमें अलग अलग लोगों के अटैक देखने को मिलते हैं। वो बेसिकली सोने के लिए हुआ करता था, गोल्ड के कारण से, बिकॉज इंडिया उस समय काफी रिसोर्स रिच हुआ करती थी, इस कारण से यहां पर इन्वेजन हुए। इस इन्वेजन के दौरान में फिर आगे जो डेवलपमेंट सामने निकल के आती है वो आती है मौर्यन एज की। इस मौर्यन एज में अगेन जो महाजनपद में लास्ट टाइम मगध का जो लास्ट रूलर हुआ करता है उसको हरा करके, घनानंद को हरा करके फिर मौर्यन एज आती है और मौर्यन एज की फिर शुरुआत हो जाती है। ये मौर्यन एज काफी अपने आप में स्ट्रांग होते हैं और काफी लॉन्ग पीरियड तक चलती है। इनफैक्ट इसके अगर टाइम पीरियड के बारे में मैं बताऊं तो ये 300 BC से 200 BC तक ये मौर्यन एज चलती है। यहां पर कई सारे
स्ट्रॉन्ग रूलर्स आते हैं जैसे अशोक हो गया, इसके अलावा और भी कुछ कंटेम्प्ररी कह लीजिए कि थिंकर्स थे जैसे सुकरात हो गए, चाणक्य हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, तो इनके बारे में हम लोग सक्सेसिवली डिस्कस करते रहेंगे। सिकंदर का जो अटैक हुआ था उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली मैप है जहां पर यूरोपियन मैप भी आपको सामने एक देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर इंडिया है, इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, हालांकि महाजनपद बोला जाता था, जैसे एक गांधार का छा जो तक्षशिला थी। सिमिलरली यहां पर हमें एक और देखने को मिल जाता है, और यहां पर देखिए इस तरीके से ये आ रहा है सिकंदर, यहां पर आप देख सकते हैं रेड मैप से बना हुआ है, सिकंदर आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, उसके बाद से अटैक करके फिर हिंदुकुश की पहाड़ियों से निकलते हुए फिर ये आ जाता है अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो ट्राइबल्स हैं उनसे वॉर होती है, वॉर होने के बाद फिर अल्टीमेटली ये अंदर आता है। अंदर आने के बाद यहाँ जो फाइव रिवर्स हैं, रावी, झेलम, व्यास, तो इनसे इनको पार करता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर कई सारे इवेंट्स होते हैं जिसके कारण इसे वापस लौटना पड़ता है। लौटने के दौरान में फिर यहाँ पर ये घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली जाते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है, ये डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग मैप को लेकर के अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग हिस्ट्री को जब भी देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देख रखा था हमारा जो भी मौर्यन एज था, मौर्यन एज में हम लोग इसके बाद आगे आएंगे और पोस्ट मौर्यन एज के बारे में बात करेंगे। पोस्ट मौर्यन एज बेसिकली स्टार्ट होती है 200 बीसी से 300 एडी तक होती है। इस पोस्ट मौर्यन एज में कई सारे डिफरेंट डायनेस्टीज जन्म लेती हैं, जैसे शुंग डायनेस्टी हो गई, कण्व डायनेस्टी हो गई, छेदी डायनेस्टी हो गई, और सातवाहन डायनेस्टी हो गई। इस डायनेस्टीज में बेसिकली अगेन अटैक देखने को मिल जाता है, इंडो ग्रीक अटैक देखने को मिलता है, जिससे कई सारे नए सिविलाइजेशन भी सामने निकल के आते हैं, जैसे कनिष्क की सिविलाइजेशन हो गई। तो इस तरीके से हमें कई सारी और भी सिविलाइजेशन, फॉरेन की सिविलाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है, जिससे हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड फॉर्मेट में निकल के आता है, और यहीं से हमारे आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट की शुरुआत हो जाती है। सिमिलरली पैरेलली एक और गवर्नमेंट चल रही होती है साउथ में, और इस साउथ में जो गवर्नमेंट चलती है वो बेसिकली संगम लिटरेचर होती है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी डायनेस्टीज होते हैं लाइक चोल, चेर, पांड्या, तो बहुत सारे हम लोग डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे, जिनकी जो प्रॉपर्टीज या कह लीजिए जिनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो भी डायनेस्टीज हैं, जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम है, वो नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग जब आगे बात करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या कुछ होता है। फिर होती है जो नॉर्थ इंडिया में वो गुप्ता एज डेवलप होती है, गुप्ता एज बेसिकली गोल्डन एज कहा जाता है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है 320 AD से 550 AD तक हमें देखने को मिलता है। इस गोल्डन एज के बाद, मतलब इस गोल्ड गुप्ता एज के बाद, जहां पर हमें आर्ट एंड कल्चर में काफी कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत डिटेलिंग हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि काफी कुछ डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे मंदिर बने, बहुत सारी चीजें हुई है, देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या चीजें हुई। गुप्ता एज के बाद से फिर आती है पोस्ट गुप्ता एज, और इस पोस्ट गुप्ता एज में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है, जैसे वर्धन डायनेस्टी हो गई, या और भी छोटे छोटे डायनेस्टीज होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इस वर्धन डायनेस्टी के बाद में राजपूत पीरियड आता है, और ये राजपूत पीरियड बहुत ज्यादा समय के लिए तो नहीं, लेकिन छोटे समय के लिए होता है। छोटे समय का मतलब ये हो गया कि 550 एडी से लेकर के ये नियर अबाउट 750 एडी तक ये सामने रहता है। लेकिन ये राजपूत पीरियड काफी ज्यादा इन्वेजन्स को फील करता है, लाइक इस्लामिक इन्वेजन्स, जहां पर कई सारे इन्वेजन होते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है, मोहम्मद गोरी का इन्वेजन होता है, मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन होता है, जिसे 17 टाइम्स जो होता है वो लूटा था, और अल्टीमेटली सोमनाथ टेम्पल को लूट करके फिर वापस चला जाता है। फिर उसके बाद से इस राजपूत पीरियड में 1192 में 1191 और 1192 दो वार होते हैं बेसिकली, और इस दो वार के बाद तराई के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके अल्टीमेटली इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्थापित करता है। इस दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली स्टार्ट होती है 1206 एडी से, और ये लगातार आगे डेवलपमेंट होती जाती है, जहां पर कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज आती हैं, जैसे एक होती है जो स्लेव डायनेस्टी आती है, स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, खिलजी डायनेस्टी के बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयदी डायनेस्टी आ जाती है, और फिर अल्टीमेटली लोदी डायनेस्टी के बाद बाबर अटैक करता है, और बाबर के अटैक करने के बाद मुगल डायनेस्टी इंडिया में आ जाती है। इस पूरे दिल्ली सल्तनत और इससे रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है हम लोग करते हैं मेडिवल हिस्ट्री में।
और जिस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा, सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। और मेडिवल हिस्ट्री में मुगल, मतलब जो लेटर मुगल्स हैं, उन पर अटैक होना शुरू हो जाता है ब्रिटिशर का और बाहर के जितने भी कॉलोनियल पावर्स हैं, और इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की भी शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग, ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां पर मैंने आप लोगों को पूरा ए टू जेड आइडिया दिया कि आखिर में हम लोग हिस्ट्री को क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखिए ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे और पैरेलली हम लोग हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। हर दो दिन पे एक एक वीडियो आपको आती रहेगी, और जैसे ही हिस्ट्री खत्म, मतलब ज्योग्राफी खत्म होगी, हिस्ट्री को फिर कंटिन्यू बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है लोगों के द्वारा कि बुक्स कौन कौन सी रिफर करनी है। देखिए हिस्ट्री के लिए कोई एक सिंगल बुक नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं। जितनी बुक्स आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन, उतनी नॉलेज होती जाएगी, लेकिन कुछ बुक्स को आपको रिफर करना होगा। जैसे जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, दोनों ही आपको रिफर करना चाहिए। तमिलनाडु जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको भी रेफर कर लेना चाहिए, फिलहाल के लिए अभी इतना ही रेफर करिए। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो इंटरनेट को आप लोग रेफर करिए, इंटरनेट से आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बुक्स में नहीं मिलेगी। मतलब बहुत सारी बुक्स आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। बेटर विल बी टू फॉलो द इंटरनेट या फिर वीडियोस फॉलो करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए हमारे ये कुछ कोर्सेज हैं जो प्रिलिम्स स्पेशल, जो अलग अलग सीरीज है, जैसे ज्योग्राफी की फुल सीरीज है, प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज, उसको आप लोग देख सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज ऑन गोइंग है, करंट अफेयर फाइव कंपाइलेशन की सीरीज है, और करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स बेसिस पे क्विज आती है न्यूज़पेपर के बेसिस पे, उसको आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्कशन भी आपको हमेशा मिलता रहता है, और इकोनॉमिक सर्वे की भी एक डिटेल्ड एनालिसिस YouTube पे अवेलेबल है। बाकी मेंस के भी कोर्सेज हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए, और शॉर्ट वीडियोस तो मिलती ही रहती है। बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है टेस्ट सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, जो कि करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ले सकते हैं, और जीएस मेंस के लिए भी आप ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आप इन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे मटेरियल और साथ ही साथ में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।